जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों का अपनी दिव्यांग बहन से बीते 12 साल से विवाद चला आ रहा है। जमीनी विवाद मामला जब सीहोर एसडीएम के कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के भीतर ही भाई बहन की सुलह करवाई गई। वहीं 12 साल बाद वो बहन जो कि अपने दोनों भाई से नाराज थी, उसने एसडीएम कोर्ट में ही अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी। दोनों भाई बहन जमीन का एक विवाद भूलकर एक साथ घर आए। जमीनी विवाद के साथ कोर्ट के रिश्ते भी सुलझे। जमीनी विवाद के कारण भाई बहन के रिश्ते में 12 साल पहले पड़ी दरार को एसडीएम सिहोरा ने न केवल अपने निर्णय से समाधान करवाया बल्कि राजी खुशी भरे माहौल में बहन से भाइयों को राखी भी बंधवाई। दोनों भाइयों ने अपनी नेत्रहीन अविवाहित बहन के देखभाल का एसडीएम के सामने संकल्प भी लिया। एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे ने बताया कि न्यायालय में दो भाइयों द्वारा नायब तहसीलदार मझौली के नेत्रहीन बहन के नाम पर जमीन का एक हिस्सा कर देने के आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी। अपील में मझौली तहसील के ग्राम कुकरई निवासी ब्रजलाल और सुदर्शन प्रसाद दाहिया ने बताया कि उनकी बहन कल्लूबाई कुछ लोगों के बहकावे में आकर उनसे अलग रह रही थी। लोगों के ही कहने पर वह अपने हक की जमीन का एक हिस्सा पहले बेच चुकी है, लेकिन इससे भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वह अभी भी खाने पीने के लिए दर दर भटक रही है। दोनों भाइयों ने अपील में एसडीएम से अनुरोध किया था कि 68 साल की उम्र और नेत्रहीन होने की वजह से उनकी बहन अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपने हितों का ध्यान रख सके, लिहाजा उसके हक की जमीन को अभी भी कुछ लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीएम सिहोरा ने भाइयों की अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई की और आपस की लड़ाई को भुलाकर साथ रहने की समझाइश दी। एसडीएम सिहोरा के मुताबिक बहन और भाइयों को दी गई समझाइश का तुरंत असर भी हुआ और वह साथ में रहने को तैयार हो गए और राजी खुशी भरे माहौल में बहन ने सारे गिले शिकवे भुलाकर 12 साल बाद अपने दोनों भाइयों को राखी भी बांधी। एसडीएम आशीष पांडे ने बताया कि दोनों भाइयों को बहन का अच्छे से ख्याल रखने और हमेशा उसे अपने साथ रखने की शर्त पर उसके हक की भूमि पर उसके जीवन काल तक संरक्षक के रूप में बड़े भाई और ग्राम कोटवार ब्रजलाल दाहिया जो कि कल्लूबाई का छोटा भाई है उनके नाम पर दर्ज करवाया गया है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति दिव्यांग कल्लूबाई की जमीन नहीं हड़प सके। एसडीएम ने दोनों ही भाइयों को निर्देश दिए हैं कि नेत्रहीन बहन को भी किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। दो भाई और एक बहन है और बहन की उम्र लगभग 65 वर्ष है और ब्लाइंड है वो। तो जब उनके बातचीत सुना और कोर्ट में वो लोग हाजिर हुए तो उनसे जब बातचीत किया तो ये समझ में आया कि बहन और भाई के बीच में काफी मतभेद है। तो उनको 12 साल से उस बहन ने राखी भी नहीं बांधा था आपसी विवाद में।